প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মেগা এক্সক্লুসিভ নিউজ 18 এর গ্রুপ এডিটর ইন চিফ রাহুল জোশীর হইতে মোদীর সাক্ষাৎকার और इसके ऊपर बहुत काम हुआ भी है। अभी इधर उधर एक दो चरण के बाद आते आते आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कांग्रेस पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। निर्वाचन पूर्वे प्रथम बार भावे नेशनल नेटवर्क मोदी मेगा एक्सक्लूसिव ये विशेष साक्षात्कार कांग्रेस इश्तेहार मुस्लिम लीगर स्टाम्प आसे बुली कय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं, क्या ये थ्रेट इतना रियल है, क्या आपको ऐसा दिखता है? पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी, कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतने ही गुड़ी 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 उछालते रहे। प्रधानमंत्री करा मंतव्य मंगलवार प्रतिक्रिया प्रकाश करे अहम विधानसभा विरोधी दलपति देवव्रत শইকীয়া। देवव्रत শইকীয়াৰ দাবী বিজেপি আৰু আৰএছএছৰ হৈতে হে মুসলিম লীগৰ সম্পৰ্ক আছে। প্ৰথম কথাটো হল, মই যদি ক'ব বিচাৰো যে বৰ্তমানৰ বিজেপি দলত মুসলিম লীগৰ প্ৰভাৱ আছে, হেতুহে বেছি প্ৰাসংগিক হ'ব। বিজেপি আৰু মানে পূর্বহরি বিশ্ব হিন্দু মহাসভা আপনাকে সালে গম পাব কেনেকে তেওঁলোকৰ মানুহখিনিয়ে মানে বেলেগ বেলেগ সময়ত রাজনৈতিক দলৰ নাম বেলেগ বেলেগ কৰি পেলাই এই বৰ্তমানৰ অৱস্থা পাইছেহি। সেই গতিকে মুসলিম লীগ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ভাল সম্পৰ্ক আছে। ইপিনে মোদীৰ সাক্ষাৎকাৰক লৈ বিজেপিৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনেও কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া। নিউজ 18ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎকাৰক সুন্দৰ বিশ্লেষণ আখ্যা। সাক্ষাৎকারত সকলো কথা স্পষ্টকৈ প্রকাশ পাইছে। এই সাক্ষাৎকারৰ দ্বারা ভারতবাসী বহু পরিমাণে প্রভাবিত হব বলে কলে প্রশান্ত ফুকনে। এটা একটা খুব সুন্দর একটা পরিবেশ আর সুন্দরকৈ গোটেই কথাখিনি ভালকে গোটেই দেশখনৰ কথা কি করলে কি মেলিলে গোটেইখিনি কথা বুঝাই দিছে। বিপুল বর্মন আর হিরকজ্যোতি মালাকারৰ রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ और उनके आज तक का इतिहास है वो करेंगे क्या, तो फिर मेरी जिम्मेवारी इट्स अ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देशवासियों को बताऊं कि भाई ये इस दिशा में ले जा रहे हैं। अब आप तय कीजिए, जाना न जाना जनता जनार्दन का हक है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि तथ्य व आधार पर तर्क के आधार पर उनकी हकीकतों का आधार तो मुझे बताना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ।